हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान इंडिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुबेद। आज की रिपोर्ट आने लगे न्यू दिल्ली रोड आफ्टर G20 समिट, शॉकिंग रिएक्शन मॉडर्न इंडिया। मतलब जी, न्यू दिल्ली के रोड्स कैसे हो गए हैं? G20 अब खत्म हो गए हैं। G20 के बाद न्यू दिल्ली के रोड कैसे दिखने देखेंगे? बहुत ही काम किया गया है G20 के लिए भारत में। तो बिना किसी तरीके से देखते हैं यात्रा ब्लॉग का वीडियो। गाइस, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत कमाल का इनका कंटेंट है, इनको सपोर्ट कीजिए। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वेलकम बैक टू इनका यात्रा व्लॉग। अभी जो हमें सामने ये ओल्ड दिल्ली का रेलवे स्टेशन, इंडिया के कैपिटल के रोड कैसे दिखते हैं और वहाँ के मेट्रो स्टेशन कुछ इस तरीके के दिखते हैं 2023 में। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि G20 सबमिट के बाद दिल्ली की रोड कैसी और हमारे कैपिटल ऑफ इंडिया के रोड कैसे दिखते हैं। सो गाइस, ये आपके सामने व्यू आप देख सकते हैं कि जी हाँ, इंडिया बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के रास्ते पर चल रहा है। दिल्ली अभी बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में हर साल फॉरेनर टूरिस्ट इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आप पूछिए मत। तो आज हम उस लेवल को बीट कर रहे हैं गाइस, कि हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। G20 के अंदर बहुत सारे कंट्री के बड़े बड़े नेता आए थे गाइस, और उसके बाद से ये जो है ना शहर, इसकी रंगत ही बदल गई है। और अभी का व्यू, मतलब सबमिट ओवर हो चुका है लेकिन हम किस तरीके से मेंटेन किया, साफ सफाई और हर जगह फाउंटेन्स, इतने सारे ब्यूटीफुल हरे हरे पेड़ पौधे हैं, काबिले तारीफ है। दिल्ली पूरी तरीके से चेंज हो रही है। और एयरपोर्ट वाला जो बोलते हैं रोड, वो वाला रोड है। एयरपोर्ट से जैसे आप जाओगे न्यू दिल्ली के अंदर गाइस, तो आपको बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे फूल फ्लावर्स दिखेंगे, साथ में फाउंटेन्स तो आपको बहुत सारे दिखेंगे। रोड काफ़ी ब्यूटीफुल है और आप इंजॉय करिए सफ़र को गाइस। साइड में चलती है गाइस मेट्रो, इस तरफ चलती है दिल्ली की पब्लिक बस और चौड़े चौड़े रोड। ये है न्यू दिल्ली इंडिया। और आप देख सकते हैं इस तरफ भी काफ़ी ब्यूटीफुल पेड़ पौधे लगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन गाइस आप देख रहे हो कितनी हरी भरी है दिल्ली, एकदम ग्रीनरी। और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया है अभी भी और आगे होता रहेगा। और ये सारा नया बनाया गया है। अभी आप रोड देख सकते कितने क्लीन और बिल्कुल ब्यूटीफुल से है रोड न्यू दिल्ली के। कोई भी कंट्री जब भी डेवलप होती है, जब उसके अंदर डे बाय डे आपको चेंजेस दिखते रहे, चाहे वो रोड हो, चाहे वहाँ की मेट्रो हो, चाहे वहाँ की ट्रेन हो या वहाँ के हाईवे हो, अगर उसके अंदर चेंज होता रह रहा है तो गाइस वो कंट्री बहुत जल्दी डेवलपिंग की तरफ बढ़ रही है और आने वाले टाइम में डेवलप इजीली हो जाएंगी। और गाइस हमारे इंडिया के अंदर जो कार्स हैं ना, वो भी कितनी ब्यूटीफुल दिख रही थी, वो जा रही थार। और गाइस ये है कुछ मेट्रो का सिस्टम, ऊपर से भी नीचे से भी, और ये है न्यू दिल्ली का लुक। जस्ट गाइस वाव बोलूँगा मैं, वाव न्यू दिल्ली कैपिटल, वाव नाइस। ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिखेंगे फाउंटेन, हरियाली, ग्रीनरी, वहाँ पे भी आपको दिखेंगे फाउंटेन। मतलब कोई भी बाहर से आएगा ना तो उसको एकदम मस्त लगेगा कि हाँ न्यू दिल्ली का लेवल है और इंडिया की कैपिटल बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे आपको आउट ऑफ इंडिया के लोग इतने सारे देखने को मिल जाएंगे गाइस, बहुत ज़्यादा, जर्मन के, जापनीज, इज़राइल के, हर जगह कंट्री के लोग दिल्ली के अंदर आपको दिखेंगे गाइस। और जैसे आप स्टॉप करोगे किसी भी सिग्नल पे तो वहाँ देखिए बहुत सारे ब्यूटीफुल से आपको दिखेंगे फ्लावर्स। और अभी हम बढ़ते आगे, ये है यहाँ की 5-स्टार होटल, इसका भी व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल है। मुझे इस होटल का नाम नहीं पता बट ये एरिया भी काफ़ी मस्त था और यहाँ पे सारे आपको महंगे महंगे लग्जरियस होटल देखने को मिल जाएंगे। अभी हम गाइस बढ़ते हैं आगे और ये देखिए G20 इंडिया आपका स्वागत करता है। और गाइस रोड काफ़ी चौड़ा ब्यूटीफुल है। यहाँ से गाइस मैं आपको लेके जाऊँगा एक अंडर पास के अंदर, जो कि बिल्कुल देखने पर इंटरनेशनल लेवल का लगता है। मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगा वो व्यू, इतना मस्त व्यू लगा, उसको देख के आप भी हो जाएंगे शौक। एक अब ये वाला व्यू करिए चेक, मेन यानी कि सर्कल पे भी वाव, क्या ब्यूटीफुल फाउंटेन है, क्या व्यू दिख रहा है। अब हम बढ़ते यहाँ से लेते टर्न, फिर हम जाएंगे उसी अंडर पास की तरफ, जिसको देख के आप भी बोलोगे वाह भाई कसम से मज़ा आ गई हमको भी। मतलब आप घुमाए जा रहे हो मज़ा आ जाएंगे आपको। और गाइस नेक्स्ट मैं लेके आ रहा हूँ यानी सिटी टूर गाइस पुणे का, उसके बाद हम जाएंगे हैदराबाद गाइस। और इन इसके लिए आपको करना पड़ा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम नेक्स्ट घूमेंगे पुणे फर्स्ट और सेकंड घूमेंगे हैदराबाद। इसी तरीके से हम इंडिया को जानेंगे डीप से और इंडिया कितना चेंजेस हो रहा है, आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे ही मेरे 50,000 हो जाएंगे तो मैं एक लेके आऊँगा ड्रोन, ड्रोन से आपको पूरा इंडिया दिखाऊँगा और मैं अपना फेस भी रिवील कर दूँगा गाइस आने वाले टाइम के अंदर। बस एक ही चीज़ चाहिए आप लोगों का सपोर्ट,
और गाइस ये देखिए बिल्कुल ब्यूटीफुल सी पेंटिंग कर रखी है, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव। इसको अभी मेरे हिसाब से मैं बोलूँ ना दिल्ली को, तो एक बोलते हैं आर्ट वाली, जो बोलते हैं शहर के कैपिटल हमारी आर्ट वाली बनती जा रही है। आपको यहाँ पे मतलब मस्त मस्त दिखेंगे फूल फ्लावर, और जो बोलते हैं ना इंटरनेशनल लेवल के यानी कि सर्कल, वो भी यहाँ पर है। अभी हम घुस रहे हैं अंडर पास के अंदर। ये वाला पास देख के गाइस मैं काफ़ी शौक हो गया था, क्योंकि इतनी सारी पेंटिंग बहुत लंबी पेंटिंग थी, और मतलब ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये पेंटिंग बनाना एंड तक ठीक थी ये पेंटिंग, और कितना ब्यूटीफुल है व्यू। इस व्यू को आप चेक करिए और एकदम मस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा गाइस आपको। मेरा गाइस फर्स्ट इम्प्रेशन था बहुत ही ऑसम, और गाइस अगर मैं इसको अगर हमारे इंडिया के अंदर किससे कंपेयर करूँ लाइक मुंबई, तो गाइस उससे काफ़ी यानी कि मैं इसको बोलूँगा डेवलप हर चीज़ के मामले में, रोड वगैरह हर चीज़ के मामले में, क्योंकि काफ़ी डेवलप लगा। और आपके सामने व्यू है गाइस, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप व्यू चेक कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल का लग रहा है। प्लस कितनी ब्यूटीफुल तरीके से पेंटिंग एंड डिज़ाइन एंड लाइटिंग का काम किया गया है, जो कि बहुत ऑसम लगता है, काबिल तारीफ है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन भारत वालों के, बहुत ही अच्छा मतलब हमारे देश के अंदर डे बाई डे चेंजेस हो रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, और डे बाय डे मैं मतलब इंडिया को एक्सप्लोरिंग कर रहा हूँ। शायद आने वाले टाइम में मतलब शायद मैं रहूँ या फिर नहीं रहूँ, लेकिन इस वीडियो को देख के लोग बागों को बहुत अच्छा लगेगा, और कि हाँ इंडिया मतलब डे बाय डे आगे बढ़ता गया था, और फीलिंग प्राउड टू बी इंडियन गाइस। अभी हम हैं गाइस प्रगति मैदान की ओर, जहाँ पर एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का, जहाँ पे मतलब सारी होंगी मीटिंग, हम वहाँ से बिजनेसेस ले पाएंगे वो बना है, उसका मुझे नाम नहीं पता गाइस, लेकिन इस एरिया का नाम है प्रगति मैदान। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है, इतने गाइस प्लांटेशन का काम किया गया, और फिर देखिए ये आ गया अपना फाउंटेन, और ये रहा गाइस वो इंटरनेशनल लेवल का, और बाकी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं कहता हूँ G20 के बाद क्या मेंटेन रखा गया, कुछ होता है ना, आप देखो जगह जगह फाउंटेन, जगह ग्रीनरी कितनी है यार। एक बात बताऊं भाई, ग्रीनरी ये फाउंटेन, ये ग्रीनरी और ये लाइटिंग, ठीक है मैं मानता हूँ थोड़ी सी कम की होगी G20 के बाद, लेकिन ये हमेशा दिल्ली में इसी तरह, इंडिया के बड़ी सिटीज में और स्पेशली दिल्ली में ये हमेशा रहती है, क्योंकि उनके तुम साथ में फुटपाथ देखो, वो ऐसे बनाए हुए जैसे इधर हमारे रोड नहीं होते भाई। आप देखो एक साइड का रोड छह लाइन का था, दूसरी साइड का देखो तो समझ फुटपाथ ये सारा कुछ साइड पे बनाया हुआ, वो हमारे रोड ऐसे नहीं होते जैसे उन्होंने वो बनाया हुआ। सच में बता रहा हूँ, इतना ज्यादा काम हुआ, डेवलप किया, बिलियन ऑफ डॉलर इस पे खर्चा है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, दुबई का दिल्ली एक इंटरनेशनल लेवल का सिटी, दिल्ली दिन ब दिन खूबसूरत होता जा रहा है, दिन ब दिन कितना प्यारा होता जा रहा है। बोटी बोटी अंडर पास कितने प्यारे बने, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, सब लगभग हर चीज जो है बहुत एक प्लानिंग के साथ बनाई गई है। और यार सच में आने वाले वक्तों में आपको टोटली कुछ सालों में डेवलप ये सिटी बन जाएगी। बिल्कुल आपका इसका कहना है, मेरा कमेंट सेक्शन में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।